हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 135 प्रश्न हमारे हो गए हैं, अभी तक लगातार एक से लेके हम सब चलते आ रहे हैं और 135 तक क्वेश्चन हो गए। तो चलो आगे चलते हैं। और ये संगीत और श्रुति को लेके ये वीडियो है जो अभी चल रही है। एक क्लासेस हो गई है, ये दूसरी क्लासेस है। ओके, दूसरी क्लास है ये। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, संगीत रत्नाकर के अनुसार ध 20वीं श्रुति पर निर्धारित है, तो नी किस श्रुति पर अब स्थित है? तो क 22वीं, ख 21वीं, ग 20वीं या घ 18वीं। तो अब की कौन सी श्रुति पर है? तो क 22वीं श्रुति पर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, सामान्य रूप में सा और प को अचल स्वर मानकर उनके केवल एक रूप की ही मान्यता है, किंतु सारंगदेव ने श्रुति व्यवस्था के अंतर्गत सा के दो रूपों को माना है जो चल स्वर के समान शुद्ध एवं विकृत रूप के समान है। इनके दो रूपों का क्या नामकरण किया गया है? क चल अचल, ख शुद्ध विकृत, ग विकारी अविकारी, घ अचुत्य चुत्य। सही आंसर है इसका घ अचुत्य चुत्य। ठीक है, सामान्य देखो सामान्यता रूप से में सा और प को अचल स्वर मानकर उनके केवल एक रूप की ही मान्यता है। ठीक है, सापा को अचल माना जाता है, एक ही रूप हुआ उसका, किंतु सारंगदेव ने श्रुति व्यवस्था के अंतर्गत सा के दो रूपों को माना है। सा के दो रूप इन्होंने माने हैं श्रुति व्यवस्था के अंतर्गत सारंगदेव ने। ठीक है, जो चल स्वर के समान शुद्ध एवं विकृत रूप के समान है, मतलब कि जैसे शुद्ध और विकृत रूप होते हैं उसके ही समान है। इसके दो रूपों का नामकरण है अच्युत्य अच्युत्य। क्वेश्चन नंबर 138, सारंगदेव के अनुसार पंचम के दो रूप क्या हैं? क शुद्ध प कौशिक प, ख चल प अचल प, ग अच्युत्य प च्युत्य प, शुद्ध प और विकृत प। घ है हमारा शुद्ध प और विकृत प। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है क शुद्ध प और कौशिक प। ठीक है, सारंगदेव के अनुसार पंचम के दो रूप कौन कौन से हैं? शुद्ध प और कौशिक प। आगे चलते हैं। 139, अन्य शास्त्रकार चल स्वरों के दो रूप मानते हैं, एक शुद्ध दूसरा विकृत, वही सारंगदेव ने चल स्वरों के अंतर्गत नी के कितने रूप माने हैं? क दो, ख तीन, ग एक, घ चार। तो इसका सही आंसर है घ सॉरी ख तीन माने हैं। ओके, अन्य
शास्त्रकार चल स्वरों के दो रूप मानते हैं, ठीक है, चल स्वर के कितने रूप मानते हैं, तो जो चल सकते हैं, हाँ दो ही मानते हैं, जो चल सकते हैं, कौन से हैं जो दो चल सकते हैं, एक तो आपका हो गया कोमल और एक हो गया तीव्र, ये दो हैं जो चल सकते हैं, शुद्ध दूसरा विकृत, ये भी है ठीक है लेकिन अलग तरीके से एक वो हो जाएगा, तो एक शुद्ध दूसरा विकृत। वही सारंगदेव ने चल स्वरों के अंतर्गत नी के कितने रूप माने हैं, तो नी के तीन रूप इन्होंने माने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। श्रुति स्वर व्यवस्था में ग के तीन रूप अर्थात ग साधारण ग एवं अंतर ग माने गए हैं। नी के भी तीन रूप हैं, नी वैशिक नी, इस प्रकार तीसरा नी क्या है, क कौशिक नी, ख काकली नी, ग साधारण नी या घ अंतर नी। तो इसका जो आंसर है वो है ख काकली निषाद। शुद्ध स्वर व्यवस्था में ग के तीन रूप अर्थात ग साधारण ग एवं अंतर ग माने गए हैं, ठीक है, तीन रूप हैं इसके, ठीक है, ग के तीन रूप हैं। तो नी के तीन रूप कौन कौन से हैं, नी वैशिक नी, इस प्रकार तीसरा रूप क्या है, तो काकली निषाद है, ओके काकली नी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। राग तत्व विबोध ग्रंथ में किस शास्त्रकार ने वीणा के 36 इंच लंबे तार की लंबाई के विभिन्न भागों से शुद्ध एवं विकृत 12 स्वरों के स्थान निश्चित किए, क पंडित आहोबल, ख पंडित दामोदर, ग पंडित श्रीनिवास या घ पंडित लोचन। इसका सही आंसर है पंडित श्रीनिवास, ठीक है, इनके ही द्वारा ये लिखा गया। आपको अगर ये पता है कि ये इसके लेखक कौन है तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। आगे चलते हैं, जैसे इन्होंने एक चीज कहा है ना, राग तत्व विबोध ग्रंथ में किस शास्त्रकार ने वीणा के 36 इंच तार, लंबे तार की लंबाई के विभिन्न भागों में शुद्ध एवं विकृत 12 स्वरों की स्थापना निश्चित की है, तो श्रीनिवास। ये यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता और ये नहीं रहता था विकृत स्वरों के बारे में नहीं होता, तो 36 इंच लंबे तार पे सब प्रथम किसने की है, तो आहोबल ने भी की है, ठीक है, सब प्रथम आहोबल ने ही यहाँ इस पे रिसर्च किया था, लेकिन उनका शुद्धिकरण इतना ज्यादा नहीं था, श्रीनिवास का शुद्धिकरण ज्यादा अच्छा था। इसका आंसर ग होगा, पंडित श्रीनिवास। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 142। पंडित श्रीनिवास के अनुसार काफी ठाट शुद्ध ठाट है जिसमें ग नी कोमल है, जबकि भारत खंडे जी के अनुसार कौन सा ठाट शुद्ध ठाट है जिसमें ग नी शुद्ध है, क भैरव, ख आसावरी, ग भैरवी या घ विलावल। तो इसका जो सही आंसर है वह है घ विलावल, इसका सही आंसर है। पंडित श्रीनिवास के अनुसार काफी ठाट शुद्ध ठाट था, ठीक है, जिसमें गानी कोमल है, जबकि भारत खंडे के अनुसार शुद्ध ठाट में विलावल ठाट को इन्होंने शुद्ध माना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विलावल। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल का नाम है सिंगर महेश राय, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जरूर शेयर करना ताकि औरों की भी
हेल्प हो पाए। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी जो भी अप्रिशिएट भी करते रहे ताकि मनोबल बल बढ़ता है इससे, ताकि मैं संगीत की सेवा ऐसे ही कर पाऊं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। और हमारा टेलीग्राम है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है, मैं बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। तो आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में और भी बाकी चीजों का लिंक दे रखा है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाए, वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपको वहां पे अच्छा लगेगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको, जो भी गवर्नमेंट जॉब जो आती है, जो प्राइवेट जॉब आती है, उसके लिए भी आपको वहां पे हेल्प मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।